वो बीमारियां अक्सर गर्भवती माताओं में होती है। माँ अगर गर्भावस्था में है तब उसको गोमूत्र के साथ गोबर भी पीना पड़ सकता है। वो कौन सी स्थिति में, अगर कोई माँ गर्भावस्था में है और डॉक्टर ये कह रहा है कि डिलीवरी के लिए सिजेरियन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन डिलीवरी नहीं होगी, तो उस माँ को अगर डिलीवरी बिना ऑपरेशन ही करानी है, मान लीजिए घर वालों ने तय किया हम तो नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद बहुत तकलीफ है। जिस माँ को बच्चे ऑपरेशन से बाहर आते हैं उस माँ को जिंदगी भर दर्द रहता है, पेट का, कमर का, ये जांघों का दर्द, पैरों का दर्द, ये रहता ही कम ज्यादा हो सकता है, ठीक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सिजेरियन जो है वो अप्राकृतिक क्रिया है, अननेचुरल है, भगवान ने नहीं बनाया, ये आदमी ने बनाया। भगवान की क्रिया ये नहीं है, इसलिए ये अप्राकृतिक है। हर अप्राकृतिक क्रिया जिंदगी भर में ये तकलीफ है। और जो मां को सीजन हुआ फिर बाद में डॉक्टर बोलेगा इनका गर्भाशय काट के निकालो, इनका ये करो, इनका ये, जिंदगी भर का लफड़ा चलता ही रहेगा, कभी भी वो मां चैन और शांति से दो पांच साल बिता ही नहीं सकती। इसलिए मैं सभी माताओं के लिए विशेष रूप से कहता रहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बिना सीजेरियन के जिंदगी दें, दुनिया में आने दें, तो उसमें गाय का मूत्र आपको बड़ी मदद करेगा। माताएं इस बात को ध्यान रखें। भाइयों भी को बोलना चाहता हूं कि जब किसी माँ को डॉक्टर बोल देगा कि सीजेरियन तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं है, तो आप डॉक्टर से एक तो छुट्टी ले लीजिए, डॉक्टर को राम राम कह दीजिए, माँ को घर ले आइए या लेके ही बन जाइए ऐसे डॉक्टर के पास। इतना करिए कि अगर समय पूरा हो गया, समय तो आप जानते हैं 9 महीने 9 दिन बच्चे के गर्भ का समय है, 9 महीने 9 दिन, उसके बाद तो उसे बाहर की दुनिया में आना ही है। मान लीजिए 9 महीने पूरे हो गए या 9 महीना 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गया, तो आप क्या करें, गाय का थोड़ा गोबर और गाय का थोड़ा मूत्र ये मिलाएं आपस में, कितना गोबर कितना मूत्र 50-50 ग्राम ले सकते हैं, मिला ले, कपड़े में छान ले, उसको छान कर माँ को मिला ले। अब 50-50 ग्राम गोबर और मूत्र को आप जब छानेंगे और कपड़े में, तो वो जो 2 या 3 खुराक में उसको पिलाएं, 2-3 चम्मच एक बार, 2-3 चम्मच फिर एक बार, 2-3 चम्मच एक। मैंने जितनी माताओं को ये पिलाया है 4थी खुराक देनी नहीं पड़ी है, बच्चा अपने आप बाहर। ये गोबर और मूत्र की शक्ति है, आप इसका उपयोग करें। इसमें एक ही सावधानी है कि अगर बच्चा 8 महीने में बाहर आ रहा है, 7 महीने में बाहर आ रहा है, तो ये उतना उपयोगी नहीं है। समय जब पूरा हुआ और उसके बाद आ रहा है, उसी के लिए ये उपयोगी है। 7-8 महीने में बच्चों को कई बार बाहर निकालना पड़ता है, कोई गंभीर परिस्थिति पैदा हो जाए, जैसे गर्भाशय में पानी सूख गया तो बच्चे को हो सकता है 7वें महीने में निकालना पड़े, 8वें, तो उसमें ये उतना काम नहीं आएगा। लेकिन सामान्य रूप से जो 9 महीने में बच्चे आ गए हैं उन सबके लिए ये बहुत उपयोगी है। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि किसी माँ को मैंने बोल दिया कि ले लो, तो उन्होंने 1 खुराक तो ले ली, 2 खुराक को ले ली, और फिर लगा कि नहीं हॉस्पिटल चलना ही चाहिए, तो हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी निकाल ली, गाड़ी में मां बैठ गई और गाड़ी में ही प्रसव हो गया। बहुत ऐसी माताएं होती है ना, धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, चलो ये डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही हो गया, ऐसा बहुत कर। तो इसमें बस इतना ही करना है कि देने के बाद 24 घंटे इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आपको परिणाम तो आना ही है। ये बहुत आसान उपाय है हर उस माँ के लिए जो बिना सीजेरियन अपनी डिलीवरी चाहती है। और एक जानकारी दो, आजकल कई माताएं हमारी ऐसी हैं जिनके शरीर में ताकत थोड़ी कम है। भगवान ने माँ का शरीर पुरुष से ज्यादा मजबूत बनाया, क्योंकि माँ बनती है इसलिए उसको अतिरिक्त शक्ति की जरूरत होती है। पुरुष को इतनी ताकत नहीं दी है भगवान ने, स्त्री को ज्यादा।
क्योंकि स्त्री ही है जो माँ बनती है, 9 महीने अपने पेट में किसी दूसरे जीव को पालती है, उसको अतिरिक्त शक्ति की जरूरत है। स्त्री में शक्ति तो बहुत है लेकिन वो विनम्र बहुत है, तो विनम्र होने के कारण वो जल्दी रो सकती है, उसको आंसू निकल सकते हैं, क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, वो पुरुष के शरीर में कम है, तो लोग क्या कहते हैं, ये रोती है इसलिए कमजोर है। रोना कमजोरी का लक्षण नहीं है, चिकित्सा विज्ञान में रोना कमजोरी का लक्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आज से आप ये कहना बंद कर दो क्या लड़के की तरह से रोता है, ये कमजोरी का लक्षण नहीं है। ये भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है स्त्री के शरीर में, वो पुरुष को नहीं है, वो रोने से अपने स्ट्रेस को कम करती है। आप कभी भी करके देखो, आप जैसे ही रो लोगे आंसू निकल जाएंगे, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, प्रेशर आपका कम हो जाएगा। ये पुरुषों में नहीं हो पाता, इसलिए जिंदगी में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पुरुषों को ही आता है, क्योंकि वो रो नहीं पाते। अगर भगवान ऐसी कोई व्यवस्था कर देता कि पुरुषों को भी रोने वाला हार्मोन दे देता, तो हार्ट अटैक से इतने पुरुष नहीं मरते जितने मरते स्त्रियों को। सबसे कम हार्ट अटैक आते हैं इस सच्चाई के बावजूद कि उनके ऊपर कई तरह का तनाव होता है। मैं मानता हूं, और आप करके देख लीजिए, दुनिया का सबसे सबसे मुश्किल काम है अगर कोई, तो बच्चे को बड़ा करना। ये पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल काम, बच्चे को बड़ा करना। कोई आप फैक्ट्री चला सकते हैं, कार बनाने की, स्कूटर बनाने की, मोटरसाइकिल बनाने की, और एरोप्लेन बनाने की भी फैक्ट्री चला सकते हैं, वो भी आसान काम है। उससे ज्यादा मुश्किल काम है बच्चे को पढ़ा करना। माँ के ऊपर इसका सबसे ज्यादा तनाव रहता है, इसके बावजूद माताओं को हार्ट अटैक सबसे कम आता है। इसके बावजूद जबकि तनाव जीवन भर, बच्चा थोड़ा बीमार पड़ा, बच्चे से ज्यादा माँ को तनाव, टेंशन, दिल में दुखाव है, दर्द है। बच्चे की बीमारी माँ को ज्यादा, पिता को तो इतनी नहीं है। बिना पिता के बच्चा बड़ा हो सकता है, बिना माँ के मुश्किल हो जाता है बड़ा होना। तो बच्चे को बड़ा करने का सबसे ज्यादा तनाव दबाव किसी माँ के ऊपर होता है। इसी तनाव और दबाव को हर समय रिलीज करने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था दी माँ को कि वो रोए, आंसू निकाले। जैसे ही आंसू निकलेंगे तुरंत हल्की हो जाएगी वो, और अगले तनाव को झेलने के लिए तैयार हो जाएगी। पुरुष में ये नहीं है, इसलिए पुरुष में ऐठ बहुत है। रोना क्यों, कमजोरी क्यों दिखाना? ये कमजोरी दिखाने की बात नहीं है, ये अपने शरीर को सुरक्षित रखने की बात है। आप चूंकि रो नहीं पाते हैं इसलिए हॉस्पिटल जाते हैं, लाखों रुपए का बिल बनाते हैं, हार्ट अटैक लाते हैं, कार्डियक अरेस्ट लाते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, और अंत में कई बार पता है जब केस लिमिट के बाहर चला जाए, डॉक्टर को भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो डॉक्टर दवाएं देकर पुरुषों को रोलाते हैं। ये जो साइकियाट्रिस्ट है ना, ये क्या करते हैं, ये आपकी क्लास लेते हैं और क्लास लेके रोने की स्थिति तक ले जाते हैं। अमेरिका यूरोप में तो रोलाने वाले डॉक्टरों की फीस एक एक घंटे की $1,000 से कम नहीं होती, $1,000 घंटे भर वो आपको देगा, $1,000 ले लेगा, आपको एक ही काम करेगा, रुलाएगा। स्त्रियों को ये फोकट नहीं है, 2-3 मिनट में कभी भी आंसू निकल जाएंगे, बात खत्म हो गई, बात गई और वो गई तो रास्ता खुल गया। तो आज से ये कहना बंद कर दीजिए लड़कियों की तरह से क्या होता है रोना। प्रकृति में भगवान ने दी है एक ऐसी व्यवस्था जो मन के तनाव को हटाने के लिए। तो ये तनाव कम करना, दबाव कम करना किसी भी माँ को सबसे ज्यादा अच्छा आता है, इसलिए माँ बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ले लेती है और उसको पाल के दिखा देती है, बड़ा करके दिखा देती है। ये बच्चे को बड़ा करने का तनाव, बच्चे को बीमारियों से बचाने का तनाव, उससे अलग रखने का जो दबाव है माताओं को,
इसके लिए मैं जरूर एक जानकारी देना चाहता हूं सभी माताओं को, ये आप सबको बताएं कि ज्यादा से ज्यादा गाय के दूध से निकाले हुए घी का इस्तेमाल करें सब माताएं, तो आपको बहुत आसानी होगी। गाय के घी का इस्तेमाल करें दाल में, गाय के घी का इस्तेमाल करें दूध में, और गाय के घी का इस्तेमाल करें नाक में सभी माताएं। तो उनका ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, ये जो दबाव है, इसको दूर करने में बहुत बड़ी मदद है घी की। और अब मैं असली बात पर जहां आ रहा हूं वो ये कि किसी भी मां को अगर ऐसा मन में आ गया है कि मुझे तो सिजेरियन होने ही नहीं देना है, नॉर्मल डिलीवरी से ही मेरे बेटे या बेटी का जन्म होने देना है, तो उसको आप बोलिए कि नियमित रूप से गाय का घी दूध में मिला के पीती रहे, गाय का घी दूध में मिला के। दूध भी गाय का होगा तो बहुत अच्छा है, घी तो है। एक गिलास गाय का घी, एक गिलास गाय का दूध, एक चम्मच उसमें गाय का घी हर माँ गर्भावस्था के समय में पिए, रोज रात को सोने के पहले। गाय के दूध में गाय का घी मिला के हर माँ को जो गर्भवती है, गर्भावस्था में है, रात को पीने को दीजिए। बस इतना अगर आपने कर दिया तो समय पर बिना सिजेरियन ऑपरेशन के ही डिलीवरी होगी, बच्चे का जन्म बिना सिजेरियन ही होगा, घी और दूध। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है उस माँ के शरीर में, कॉम्प्लिकेशन दो तीन है आजकल माताओं के शरीर में, एक तो अंडरवेट, वजन कम है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। माँ का वजन कम है, जरूरत से ज्यादा कम है, तो ये बहुत तकलीफ की स्थिति है। तो उस माँ को बोलिए कि गाय के दूध का बनाया हुआ दही उसमें रोज सवेरे चूना मिला के खाए, गाय के दूध का बनाया हुआ घी, सॉरी गाय के दूध का बनाया हुआ दही उसमें चूना मिला के खाए। अब चूना कौन सा जो पान में खाते हैं, मात्रा कितनी, जीरे के दाने के बराबर, जीरे के दाने के बराबर। तो जीरे के दाने के बराबर चूना और दही, दही कम से कम 100 ग्राम रहे, वो घोल कर रोज सुबह पी ले जो भी मां गर्भावस्था में, और उसके साथ दो तीन केले खा ले तो सोने में सुहागा। ये उन माताओं के लिए है जिनका वजन कम है सवेरे खाली पेट। तो एक तो चूना नहीं खाए, गाय के दूध का दही और उसमें चूना मिला के, और रात को घी और दूध पिए, बस इतना ही करना है। उस माँ को भी बच्चे को जन्म देते समय कोई तकलीफ नहीं होगी, जो खुद अंडरवेट है उसका बच्चा अंडरवेट नहीं होगा, उसका बच्चा सामान्य वजन का होगा या हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही वजन आएगा, कम तो नहीं। और अगर बहुत ज्यादा अंडरवेट कोई माँ है, एकदम पतला शरीर लकड़ी जैसा, तो उसको ये भी बोलना पड़ेगा कि बीच बीच में थोड़ा गोमूत्र पीती रहे, दही और चूना खाए नियमित रूप से, रात को दूध और घी पिए नियमित रूप से, और बीच बीच में हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में दो दिन थोड़ा गोमूत्र भी पीते हैं, तो बच्चा 100% उसका ओवरवेट होगा, उससे ज्यादा स्वस्थ होगा, जितनी मां है उससे ज्यादा स्वस्थ है। और मैंने देखा है ऐसे 100 से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी माताओं पर यह परीक्षण किया है मैंने, और वो सब माताओं के बच्चे मेरी आंखों के सामने बड़े हो रहे हैं, किसी को सर्दी नहीं होती, किसी को जुकाम नहीं आता, कोई बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता, किसी को दस्त नहीं लगे, सबके दांत निकले हैं बिना डायरिया और डिसेंट्री। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के दांत निकलते समय उनको दस्त हो ही जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों की माताओं ने गर्भावस्था के समय में गोमूत्र पिया, गाय का दूध और घी लिया और चूना और दही लिया, उन बच्चों के दांत निकलते समय पता ही नहीं चला, ना बच्चों को ना माताओं को। और वो बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं ना, उनमें से कुछ इतने बड़े हो गए हैं कि स्कूल जाने लायक हैं, तो उनके अध्यापक बोलते हैं
कि ये पहली कक्षा में बैठने लायक नहीं है, इसको तीसरी में भर्ती कर दो, चौथी में भर्ती कर दो, जंप करते हैं। मतलब जो बच्चे 3 साल में सीखते हैं वो 1 ही साल में सीख लेते हैं। माने मस्तिष्क की तीव्रता इतनी है, आईक्यू उनकी इतनी अच्छी है कि वो बहुत जल्दी सब चीजें सीख लेते हैं और इतने चुस्ती फुर्ती वाले होते हैं, कभी आलसी नहीं रहते। कारण क्या है? गाय का दूध पिया, घी लिया, उनकी माँ ने दूध का दही बना के लिया, मूत्र भी लिया, तो वो वैसे ही होते हैं जैसे गाय का बछड़ा या गाय की बछड़ी। आप देखो गाय के बछड़े को जन्म लेते कूदना शुरू कर देता है। पहले तो जन्म लेगा, अपने आप खड़ा हो जाए, खड़ा नहीं करना पड़ता, अपने से खड़ा हो जाए और थोड़ी देर के बाद जंपिंग शुरू कर देगा और 1-2 दिन में तो रनिंग चालू हो जाती है उसकी, पकड़ के देख लो आप उसको। और दूसरे बाजू में जर्सी गाय के बच्चे को देख लो, जर्सी गाय का बच्चा पैदा होगा जमीन पे गिरेगा, अपने आप कभी नहीं उठता, उठाना पड़ता, और जंपिंग तो कभी नहीं मारता, रनिंग तो होती नहीं उसकी, क्योंकि जैसी अम्मा है वैसा वो है। जर्सी गाय दौड़ नहीं सकती, जर्सी गाय के बारे में आप जान लो, पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती, दौड़ नहीं सकती, धीरे 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 आलसी होके ही चलती है, बैठती, ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रहती, लम से बैठ जाती, एक बार बैठ जाए तो उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है उसका। अमेरिका यूरोप की जर्सी गाय देख लेंगे तो रो देंगे आप, वो तो एक ही जगह खड़ी रहती है, एक कदम चलना उसके लिए मुश्किल, एक कदम नहीं चल सकती। और वैसी भैंस है, भैंस का बच्चा भी पैदा होता है तो गिरता है, खड़ा नहीं हो सकता, दौड़ना कूदना तो संभव नहीं है, तो क्यों अपने बच्चों को भैंस का दूध पिला देना? मत पिलाइए दूध, गाय का पिलाइए, आपके गाय का पीजिए। गर्भवती माताओं के लिए तो विशेष व्यवस्था करिए। फिर वही प्रश्न आएगा जी, गाय मिलती नहीं है, दूध मिलता नहीं, यहाँ चेन्नई में गौशाला है, मैं देख के आया, यही चेन्नई में गौशाला है, और गौशाला चलाने वाले लोग कहते हैं कि जो भी आते हैं हम उनको गाय का दूध देते हैं, तो आप भी जाएंगे आपको भी मिलेगा। और गौशाला वाले ये कहते हैं कि अगर ज्यादा लोग दूध मांगेंगे हम ज्यादा गाय पालेंगे, वो तैयार, उनको कोई तकलीफ नहीं। वो कहते हैं अभी हमारी 1 है, फिर हम 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये मन से निकाल दीजिए, गाय मिलती नहीं है, दूध कहाँ मिलेगा, घी काम सब हो जाएगा। मन में तय करने की बात है, संकल्प आने की बात है, संकल्प आ जाएगा तो सब होगा, आप ही कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। तो मेरा सब माताओं को, भाइयों को, बहनों को आज यही निवेदन है कि गाय के दूध का, गाय के मूत्र का, गाय के घी का, गाय के दही का, दही में से निकले हुए मक्खन का, जिसको सब मिला के पंचगव्य कहा जाता है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने जीवन में करें, बहुत अच्छा है। गाय का मूत्र तो बाघ पित्त कफ तीनों का नाश करता है, गाय का गोबर भी बाघ पित्त कफ तीनों का नाश करता है, गाय का घी सबसे ज्यादा कफ नाशक है और पित्त वर्धक है, गाय का घी कफ नाशक है, पित्त वर्धक है, माने पित्त जो है कम हो गया हो, कई बार पित्त कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने की ताकत सबसे ज्यादा गाय के घी में है, और कफ के हर बीमारी को ठीक करने की ताकत गाय के घी में है। इसी तरह से गाय का दूध है, गाय का दूध जो है वो भी पित्त वर्धक है, कफ नाशक है, वात नाशक है, और दूध में से बनाया हुआ दही उससे और ज्यादा गुणवत्ता वाला होता है, और दही में से निकाला हुआ मक्खन और ज्यादा क्वालिटी का हो जाता है, मक्खन से निकला हुआ घी सबसे बड़ी क्वालिटी। गाय के दूध की क्वालिटी जो है ना बढ़ती है, दूध से दही बनाओ क्वालिटी बढ़ेगी, दही से मक्खन निकालो और बढ़ेगी, मक्खन से घी निकालो और बढ़ेगी। और आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गाय के दूध से निकाले हुए मक्खन को खा खा कर ही कंस का नाश किया। कृष्ण की खुराक जानते हैं क्या थी? श्री कृष्ण की खुराक थी मक्खन,
रोज सवेरे श्री कृष्ण जी खाते थे मक्खन, गाय के दूध दही को बिलो के मट्ठा निकाल के मक्खन मिश्री के साथ खाते थे, और वो सब कर गए जो कोई कल्पना नहीं कर पाता। आप भी अपने बच्चों को वही खिलाओ, गाय का दूध दही जमाओ, दही में से मक्खन निकालो, उसको मिश्री के साथ खिलाओ। फिर आप कहोगे जी मोटापा बढ़ेगा क्या, श्री कृष्ण को देखो मोटे हैं क्या, नहीं ना। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि गाय के दूध से निकाले हुए दही, दही के मक्खन से कभी भी मोटापा नहीं बढ़ता। कितना भी खाओ मक्खन, मिश्री मिला के खाओ तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। मिश्री और मक्खन का जबरदस्त मेल है आयुर्वेद। आप खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, कोई तकलीफ नहीं। मोटापा किससे बढ़ता है वो जान लो, बाजार में जो मक्खन का पैकेट आता है वो नाम कुछ भी हो उससे मोटापा बढ़ता है। आप बोलेंगे जी बाजार में मक्खन का पैकेट आता है उससे मोटापा, उसमें कुछ केमिकल डालने पड़ते हैं मक्खन को प्रिजर्व करने के लिए। और वो मक्खन कैसे निकाला जाता है, दूध से सीधे खींचा जाता है। हम हमारे घर में क्या करते हैं, दूध का दही बनाते हैं, दही को ऐसे ऐसे खूब रगड़ा लगाते हैं, मर्दनम गुण वर्धनम, उसके गुण बढ़ते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं। इसलिए भरपेट खाओ मक्खन, बच्चों को खिलाओ। और जिंदगी में भूल जाओ कि गाय के दूध के मक्खन से या दही निकाले हुए मक्खन से मोटापा बढ़ता, कभी नहीं बढ़ेगा। गाय के घी से भी मोटापा नहीं बढ़ता कभी। गाय के घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के लिए आवश्यक है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अभी प्रश्नोत्तरी के लिए 10 मिनट हम बैठे हैं। एक बहुत अच्छा महत्व का प्रश्न आया है, वो सब सुने तो बहुत ही अच्छा है। जैन शास्त्रों में मूत्र और मल के सेवन का निषेध है, उसके बारे में आपके विचार क्या है? जैन शास्त्रों में जो निषेध है ना, वो जीव हिंसा के आधार पर है। गाय का जो गोबर होता है ना, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं। आप चाहें तो लेंस लगा के देख सकते हैं, मैंने खुद देखे हैं, एक तो नहीं कोटि कोटि। तो जो शास्त्र में कहा गया है वो जीव हिंसा के आधार पर है। इसलिए जो जैन शास्त्रों का पूरी चुस्त तरीके से पालन करते हैं उनके लिए दूसरा रास्ता बताता हूं। रास्ता ये है कि ये गोमूत्र है ना, इस गोमूत्र को जब उबाला जाता है, इसको क्या है गर्म करते हैं, गर्म करके इसकी बाष्प इकट्ठी होती है, बाष्प को ठंडा करके बोतल में भरा जाता है, तो उसको हम कहते हैं गोमूत्र अर्घ। ये एकदम संपूर्ण सुरक्षित है और जैन शास्त्र के अनुकूल, उसमें एक भी जीव नहीं रहता। उबल गया, उबलने के बाद फिर बाष्प इकट्ठी हुई, बाष्प में तो कोई जीव नहीं रह पाता, कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया बाष्प में रह नहीं सकता, क्योंकि वो उसके तापमान के अनुकूल नहीं। जो जीव राशि गोबर में है वो गोमूत्र की बाष्प में रह नहीं पाते। और एक और आश्चर्य की बात बताऊं, गोमूत्र में भी जीव राशि नहीं होती, गाय के मूत्र में जीव राशि ही नहीं है, जो गोबर में है वो मूत्र में नहीं। क्योंकि मूत्र में एक तो ऐसे केमिकल है जैसे सल्फर, वो रहने नहीं देता किसी जीव राशि। तो गाय का मूत्र जो आता है वो जीव राशि रहित है। इसलिए जैन शास्त्रों का बहुत अच्छे तरीके से पालन करने वाले लोगों के लिए बोलता हूं कि आप गोबर का उपयोग छोड़कर गोमूत्र करो। और गोमूत्र में भी ये जो गोमूत्र को गर्म किया हुआ बाष्प इकट्ठा किया हुआ अर्घ है वो आपके लिए सबसे अच्छा है। हाँ, दमा वाले श्रीमती इंदिराबाई का सवाल है कि दमा वाले तपस्या के समय गैस और डकार रहने से गोमूत्र का किस तरह से उपयोग करें। गोमूत्र का अर्घ आता है, अर्घ एक चम्मच, अधिक से अधिक 2 चम्मच सुबह खाली पेट पी, बस 1 चम्मच या 2 चम्मच अधिक से अधिक सुबह खाली। पानी नहीं मिलाए तो अच्छा है, लेकिन पी नहीं पाए तो मिला ले, बिना पानी के पिए तो बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा,
दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इतनी चीजों के लिए अच्छा डायरेक्ट पिएंगे तो बहुत अच्छा है ना। नहीं, फ्रेश वाला अगर मिल रहा है तब तो सबसे अच्छा, नहीं मिल रहा है किसी कारण से तो अर्क ले सकते। हाँ, आज का आज ही ताजा मूत्र जो है ना वो ताजा ही पीना सबसे अच्छा, उसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गोमूत्र अगर दो तीन दिन रख लिया तो जरूर पानी मिला ले सकते हैं, पानी मिला। फ्रेश सबसे अच्छा। आजकल गायों को इंजेक्शन बहुत दिए जाते हैं, सूखी गायें घास दी जाती है, ऐसी गायों का मूत्र दूध उपयोगी है, इसका इंजेक्शन देते हैं तो बहुत खराब होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है वो गाय को बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है, और वो तकलीफ के कारण गाय के पूरे शरीर में विक्षोभ और विचलन पैदा होता है। उस स्थिति में गाय का दूध बहुत उपयोगी होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मूत्र उपयोगी होगा तो कहना मुश्किल है। तो आप बस इतना ही ध्यान रखें कि जो लोग इंजेक्शन देकर गाय का दूध या वो निकाल रहे हैं उनको या तो बोले कि भाई तुम बंद करो ये इंजेक्शन देना, नहीं मानते हैं तो उनसे कोई संबंध ही ना रखें, उनसे कहें कि तुम दूध देना चाहते हो हम लेना चाहते हैं लेकिन जहर नहीं लेना चाहते, कोई इंजेक्शन तकलीफ करता है। हाँ, आप उनको समझाइए और बताइए, क्योंकि उनको ये समझ अभी डॉक्टरों ने दी है कि इंजेक्शन ठोकने से अच्छा होता है, दूध जल्दी आता है, दूध ज्यादा आता है, लेकिन इंजेक्शन ठोकने से उसको जो तकलीफ होती है गाय को ये डॉक्टर नहीं बता आएगी। अगर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर दूध निकाला गया तो जरूर पास आएगी, तो इसको सुधारने का प्रयास करें। इसमें तरीका यही है कि आपका जो दूध देने वाला ग्वाला है एक दिन उसके साथ शांति से बात करें, उसमें एक बात आप करके देखें परिणाम अच्छा निकले, उसको कहें कि हम तुमको एक रुपए लीटर ज्यादा भाव देंगे या दो रुपए लीटर ज्यादा भाव देंगे, तुम इंजेक्शन नहीं लेते। मैंने बहुत लोगों को समझाया और ये बात समझ में आ गई, उनको इंजेक्शन लगाने का लालच इतना ही है, दूध थोड़ा ज्यादा है और वो ज्यादा बहुत नहीं होता है तो थोड़ा ज्यादा निकालने का लालच अगर उनका थोड़ा पूरा हो जाए पैसे से, क्योंकि गाय का दूध जो बिक रहा है वो भैंस से सस्ता है, आप भैंस से थोड़ा ज्यादा भाव दे दो हो सकता है कोई इंजेक्शन लगाना बंद हो जाए। ये बात तो सही, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गाय का दूध अगर इंजेक्शन लगाया हुआ हो और पैकेट वाला दूध उसके सामने हो तो भी गाय का दूध पैकेट वाले से अच्छा है, क्योंकि ये जो दूध पैकेट में बंद किया जाता है ये तो जैन शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। दूध के बारे में तो आप जानते हैं कि वो अधिक से अधिक 8 से 10 घंटे में इस्तेमाल होना ही चाहिए, और ये पैकेट वाला दूध तो 3 दिन पुराना 4 दिन पुराना पता ही नहीं है आपको। आजकल तो ऐसा भी दूध आ गया है जिसकी एक्सपायरी डेट 3 महीना, वो तो जैन शास्त्र के सर्वथा प्रतिकूल है, उससे अच्छा तो इंजेक्शन लगाया हुआ गाय का ताजा दूध। तो अगर आपको ये चुनाव करना पड़ता हो कि पैकेट वाला ले और ये इंजेक्शन, तो आप निसंकोच इंजेक्शन वाला ले लेंगे, पैकेट वाला उससे भी ज्यादा खराब है। बास आती है तो उसके लिए रास्ते हैं, जैसे एक रास्ता ये है कि उसमें केसर डाल दो, दूध में केसर डाल के आप उसका उपयोग करो, एक तरीका है। दूसरा तरीका है मिश्री डाल के मिलाओ, मिश्री दूध में मिश्री मिलाओगे सब बास चले जाए, तो मिश्री मिला के पिलाओ, केसर डाल के पिलाओ। और एक रास्ता है कि दूध में थोड़ा घी डाल दो, अगर गाय का है बहुत ही अच्छा है, तो घी जो है ना उसकी शक्ति है वो सबको अपना जैसा ही बना लेता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनका आप इस्तेमाल कर, गुड़, ऐसा गुड़ जो बिना केमिकल वाला है ऑर्गेनिक है उस गुड़ को डालकर पिलाओ, गुड़ की खुशबू आ जाएगी उसमें, तो ये तरीके हैं उसका इस्तेमाल। अब बहुत अच्छा सवाल है कि माँ
जहां गर्भवती होती है और रात को दूध पीने से कफ नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा अगर दूध में घी मिलाया हुआ है। गाय के दूध में अगर घी मिला के माँ को दे रहे हैं रात को तो बिल्कुल कफ नहीं होगा, माँ को ही नहीं किसी को भी कफ नहीं। खाली दूध पिएंगे चीनी मिलाया हुआ तो पूरी संभावना है कि कफ बढ़ेगा, क्योंकि उसमें दूध से ज्यादा जिम्मेदार है चीनी कफ बढ़ाने के लिए। तो चीनी मिलाया हुआ दूध पी रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि कफ बढ़ेगा, लेकिन अगर आप दूध पी रहे हैं घी मिलाया हुआ कभी भी कफ नहीं बढ़ेगा। मिश्री मिलाकर कभी भी कफ नहीं बढ़ेगा, गुड़ के साथ दूध पिए कभी भी कफ नहीं बढ़ेगा। हाँ करें, बहुत अच्छा। और मिश्री वो वाली करें जो बड़े बड़े उसकी आती है, डेले कहते क्या कहते हैं, बड़े क्यूब्स जो आते हैं और उनका डिजाइन एक जैसा नहीं होता, टेढ़े मेढ़े ये वो शुद्ध है, ये कटिंग की हुई एक जैसी डिजाइन की ये गड़बड़ है।